पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रैली में फायरिंग हुई है। इस गोलाबारी में खुद इमरान खान भी घायल हो गए हैं। इमरान खान के अलावा 4 और लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर हमला करने का आरोप है। वहीं इमरान खान को पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान इस समय पाकिस्तान में आजादी मार्च निकाल रहे हैं। इमरान खान वर्तमान सरकार के खिलाफ सड़क पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जब से तोशखाना मामले में इमरान खान दोषी पाए गए हैं, उनकी तरफ से आजादी मार्च की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में गुरुवार यानी कि आज 3 नवंबर को भी उनकी आजादी मार्च निकाली गई थी, लेकिन इस बार वहां पर फायरिंग हो गई जिसमें इमरान खान जख्मी बताए जा रहे हैं। उनके अलावा पूर्व राज्यपाल इमरान इस्माइल भी इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि फायरिंग में इमरान खान को पैर में गोली लगी है। इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने भी आज तक को बताया है कि इमरान खान पर AK-47 से फायरिंग की गई है। उनके दाएं पैर में गोली लगी है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट हैं। इस घटना का वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें एक हमलावर हाथ में AK-47 के साथ नजर आ रहा है। पुलिस ने फायरिंग के तुरंत बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिस मामले को लेकर इमरान खान वर्तमान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं वो मामला 2018 का है। असल में पाकिस्तान चुनाव आयोग ने तोशखाना मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की संसद सदस्यता रद्द कर दी है। खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जो तोहफे लिए थे उसके बारे में गलत जानकारी दी। असल में इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के सरकारों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले हैं जिन्हें इमरान खान ने तोशखाना में जमा करा दिया था। लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बकायदा कानूनी अनुमति भी दी थी। आरोप लगा कि इमरान खान को कुल 5.8 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। इसी मामले में इमरान खान की सदस्यता रद्द करने का फैसला लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।